आपने शादियों में हमेशा दूल्हा और दुल्हन को देखा होगा। दूल्हे का मतलब एक अच्छा कमाने वाला और सुंदर दिखने वाला लड़का। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के लिए हमारी लिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब भाई बड़ी हो भी क्यों ना, क्योंकि उसे वंश जो आगे बढ़ाना है। तो इस लिस्ट में शामिल है दुल्हन का सुंदर होना, सुशील होना और आज्ञाकारी होना। और हाँ, अब तो पढ़ा लिखा होना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन लड़की होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर दुल्हन लड़की ना हो तो क्या वो दुल्हन नहीं हो सकती, या उसे कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये शादी महाराष्ट्र के मनमाड़ जैसे छोटे से शहर में हुई है, जहां दूल्हा तो एक पुरुष है लेकिन दुल्हन एक ट्रांसजेंडर है। तो है ना ये कमाल की शादी, समाज के नियमों से हटकर बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखी। और अब इस शादी में ये तो साफ है कि अरेंज मैरिज तो नहीं होगी। तो इस लव स्टोरी की शुरुआत 2 साल पहले, आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए हुई। तब संजय ने पहली बार टिकटॉक में शिवलक्ष्मी का वीडियो देखा तो वो उनके फैन बन गए। फिर क्या, संजय शिवलक्ष्मी के वीडियोस को फॉलो करने लग गए। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हुई, फिर दोस्ती हुई और मेल जोल बढ़ने लगा। जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद क्या, प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे से इजहार किया और रिलेशनशिप को लेकर दोनों गंभीर हो गए। दोनों ने शादी का फैसला किया और 1 जून 2021 को मनमाड़ के पास नागपुर में एक प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर में शादी कर ली। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। दरअसल जब वैलेंटाइन डे के दिन संजय ने शिवलक्ष्मी को प्रपोज किया, तब शिवलक्ष्मी ने भी तुरंत उसे हाँ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसे सबके सामने शिवलक्ष्मी को अपनाना होगा। ऐसे में अब उनके सामने बड़ा सवाल था कि क्या समाज और घर परिवार उनकी शादी को मंजूरी देगा। पर अब जब प्यार किया तो डरना क्या। तो अब जब पहले शादी करनी थी तो दोनों ने अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बात की। तो फिर क्या, वही होना था जो हर लव मैरिज में होता है। घर वालों ने उन्हें समझाया कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन संजय और लक्ष्मी ने भी घर वालों को दुनिया भर में हो रहे बदलाव और इस रिश्ते की अहमियत को समझाया। आखिरकार घर वालों ने भी उनकी भावनाओं का आदर किया और शादी के लिए राजी हो गए। सबसे अहम बात यह है कि दोनों की शादी परंपरागत रीति रिवाजों के साथ की गई। हालांकि लॉकडाउन के चलते, कुछ नियम के चलते, कम लोग इस शादी में शरीक हुए। यहां तक कि शादी के बाद शिवलक्ष्मी ने ये भी बताया कि जैसे भारतीय संस्कृति में लड़की शादी के बाद अपने पति के घर ससुराल जाती है, उसे कभी नहीं लगा था कि उसे एक बहू के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जब दोनों के परिवार ने समाज के सभी रूढ़ी परंपराओं से ज्यादा इनके रिश्ते को अहमियत दी तो उन्हें उनके नाम की तरह सही मायने एक लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा गया। जी हाँ, दरअसल ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है। उन्हें ये सब एक सपने की तरह लग रहा है, वो बहुत खुश है। संजय का कहना है कि हमने काफी सोच समझ कर ये कदम उठाया। हमारी शादी के बाद 10 लोग समर्थन करेंगे तो 10 लोग इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन हम किसी भी विरोध पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करने का अधिकार है। चलिए, हमारी इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल साधना प्लस और मैं हूँ आपके साथ पूजा मिश्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।